जस्ट आई म्यूटेड टू ऑल है ना, सम ऑफ यू आई विल अनम्यूट, दैट इज अथर ताम्रकार अनम्यूट करिए, देन सम ऑफ यू आई विल एन आर्या आंशिका अनम्यूट करिए, दो तीन बच्चे अनम्यूट रहेंगे, विष्णुकांत शुक्ला सो दिस चैप्टर आवाज नहीं बेटा, जिनको अनम्यूट किया उनका साउंड नहीं आना चाहिए, आप ऑफ कर लो, व्हेन आई विल आस्क यू देन यू गिव द आंसर, जब मैम पूछे तब आंसर करना है, म्यूट कर लो अपने आप को, ऑल विल हैव टू म्यूट, अथर आंशिका म्यूट करिए, आवाज नहीं आना चाहिए. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 13 स्मार्ट चार्ट. मैम ये बहुत शोर होता है तुम लोग की तरफ से, जैसे आई कांट अनम्यूट, समझ ही नहीं आता है, जितना बोलते रहो उतना सब लोग. समृद्धि अनम्यूट कर लो बेटा, कुछ बच्चे सिंसियर है, दे आर नॉट मेकिंग एनी नॉइज ड्यूरिंग द क्लास, एंड सम ऑफ यू कंटिन्यूअसली मेकिंग साउंड आता है तो दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है ना. शानवी यू ऑल्सो अनम्यूट योरसेल्फ, दैट इज आदित्य सिंह इन क्लास, आदित्य सिंह अनम्यूट करें, आदित्य सिंह अनम्यूट करें जरा, आदित्य सिंह कर दिया मैम. आदित्य सिंह कौन है बच्चा ये, क्लास थर्ड? ना ना आदित्य. ओके तो आ जा भानु से डाउट है, मेरे पास तो पैसा ऐसे नहीं आया था, पैसा ऐसे नहीं है मेरे पास. मैम कौन सा चैप्टर खोलना है? 13 स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, इट इज लुकिंग ऑन योर स्क्रीन. दीपांशी पटेल अनम्यूट करो बेटा, देन समृद्धि, सम ऑफ यू एंड शानवी, only Samriddhi, Deepanshi and Shanvi, three student I unmuted. So here chapter 13, you can see chapter 13 is smart chart. So children, what is about smart chart? Here you can see three types of flower, that is purple, blue, hai na, that is red flower and orange flower. So we have to मेक अ चार्ट अबाउट दीज फ्लावर्स, इन फ्लावर्स का हम चार्ट बनाएंगे कैसे, देखिए फ्लावर्स इधर रीड कर रही है मैं, फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर के फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं यार ना, हैव यू बीन टू ए पार्क, कभी आपने पार्क गए हो, और ऑब्वियसली ऑल वी हैव सीन द पार्क, वॉट कलर फ्लावर्स डिड यू सी, किस कलर के फ्लावर्स आपने देखा वहां पर, वर मोस्ट ऑफ फ्लावर्स येलो इन कलर, क्या ज्यादातर फ्लावर्स येलो कलर में थे. आप अब एक अपना भी चार्ट बना सकते हो, आई विल गिव टू यू इन होमवर्क दैट वन, हाउ कैन यू मेक योर ओन चार्ट है ना, बाय सीइंग द फ्लावर्स इन द पार्क. सो हियर लुक एट द डिफरेंट फ्लावर्स इन द पिक्चर, कंप्लीट द टेबल. अब हम यहाँ पे बच्चों को कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, यू कैन सी हियर है ना, अब यहाँ पर क्या लिखा है, जस्ट यू सी कलर्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के कलर लिखे हुए हैं टेबल में नीचे ईयर, एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स, और कितने वो क्या है बच्चों फ्लावर्स है, तो हमको काउंट करके वहां पर नंबर ऑफ फ्लावर्स लिखना है कलर का.
तो वी विल काउंट ब्लू, ब्लू वाले काउंट करते हैं. सो हाउ मेनी ब्लू जस्ट हियर, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. हाउ मेनी नाइन फ्लावर्स ब्लू, उसका सनवी कर लो बेटा. नाइन, हाउ मेनी नाइन. तो व्हाट विल यू राइट हियर, क्या लिखोगे बच्चे यहाँ पे? जस्ट टेल. नाइन. जस्ट नोट डाउन हियर नाइन. So right here, 9. Okay. Now red. Red flower. You have to count the red flowers. Where is 7. Red? Here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So right here, 7. In front of red. Red ke saam. Yes, 7. From I seen. Yes, 7. Just right here, 7. From I have seen, beta. Maine dekh liya. Just you write here, 7. The red color hai, uske saamne 7 flowers. We have seen the orange, count the orange. How many orange flowers? Five. So right five. Here. Right here, 5. यहाँ पे लिखना है इसके सामने 5. Here. यहाँ पे मैम का कर्सर है. Okay. Purple. These are the purple flowers. Ten. Purple flowers are 10. 10. Okay. So I see. Now next page. So have you written all? Divyanshi, if you have done, give a thumbs up. अगर आपने कर लिया, you can give a thumbs up like that. I understand, okay? Yes. Okay. Tanishka, have you done? If I unmuted to all, then again you have to start making the noise. अगर मैं unmute करती, फिर से noise शुरू हो जाता है. So that's why I unmuted to few of them. कुछ ही को किया आपसे. Now here, draw the right flower. How? Write how many there are. आपको सही flower यहाँ पे करना है, बनाना है. अब देखिए, आर द मोस्ट इन नंबर हाउ मेनी, कौन सा फ्लावर ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है और कितना, हाउ मेनी. पर्पल कौन सा, पर्पल सबसे ज्यादा था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, पर्पल. राइट हियर पर्पल, पर्पल कहाँ, यहाँ पे उसके बॉक्स है ना, पर्पल यहाँ पर, पर्पल कितना था वो बेटा, पर्पल कितने थे, 10. So you will write here 10. Write here 10. The purple is 10 flowers. Now second, are the least in number. सबसे कम कौन था, सबसे कम कौन सा, ऑरेंज. सो राइट ऑरेंज, ऑरेंज. हाउ मच, कितने थे वो, हाउ मेनी, कितना थे, फाइव. देन मोर देन, कौन सा फ्लावर रेड, जैसे सपोज रेड आर मोर देन ऑरेंज, रेड वाले ऑरेंज से ज्यादा थे ना, रेड फ्लावर आर मोर देन ऑरेंज. तो यू विल राइट हियर रेड, रेड फ्लावर ज्यादा थे ना, रेड आर मोर देन ऑरेंज. बार बार कितना शोर करते हैं, वही पेरेंट्स टॉक करते हैं. हाउ डिस्कस्टिंग दिस वन. Once again, I have to mute it all. Samriddhi, unmute कर लो बेटा. एक आध बच्चे को ही मैं करूंगी, मैं कर देती हूँ वापस से, फिर से शोर मचने लगता है. आर्या, you also unmute. अभी देखो किसके यहाँ से साउंड आ रहा है, अभी आर्या और समृद्धि को किया है मैंने, अब आप दोनों के यहाँ से साउंड नहीं होना चाहिए. Now here, red are more than orange. Red flower जो है वो orange से ज्यादा है. Now purple are more than blue. Yes. Purple ज्यादा थे ना blue से. So here you will write purple. Yes, ma'am. Purple are more than blue. So here, like that, you can fill your answer. Have you done this? All?
यस मैम डन वीडियो ऑन करिए वीडियो ऑन करिए अगर डन है तो देन यू कैन गिव अ थम्स अप वीडियो ऑन करके थम्स अप दे सकते हो आई कैन अंडरस्टैंड मैम नाउ व्हाट डू वी सी ऑन द रोड अब ये रोड का सीन है यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है आर्या एंड समृद्धि एंड क्या क्या दिखाई दे रहा है कार मैम ट्रैफिक लाइट्स है मैम मोटरसाइकिल बस हाँ व्हीकल्स वी हैव टू सी द व्हीकल्स क्या क्या व्हीकल्स है देखिए यस मैम है ना वी हैव टू सी द आपने बुक ओपन किया है ना सब बच्चों ने यस मैम शानवी अनम्यूट कर मैम इधर पे एक हाउस भी है देखिए पहले तो व्हीकल्स देखिए मैम इधर पर एक ओनली सर वी ओनली वी हैव टू सी द व्हीकल देखिए सामान ट्रक कार है ना बुलक कार्ट देखिए बुलक कार्ट भी है यहाँ पे ये दिखाई दे रही ना बुलक कार्ट बुलक कार्ड दिख रही है बच्चों yes, ma'am. ये देखो यहाँ पे ये बुलक कार्ड जा रही है yes, ma'am, दिख रही सम कार्ड ये साइकिल है देखो बाइसिकल है ना दीज आर ट्रैक्टर स्कूटर स्कूटर है ना एंड कार यहाँ पे कार है yes. बस है तो आपको इनका एक चार्ट बनाना है ये कुछ देखिए पेडेस्ट्रियन है पैदल भी जा रहे हैं कुछ लोग है ना पैदल है ना पेडेस्ट्रियन है ना कितने लोग है वो फाइव लोग है मे बी ना फाइव दिख रहा है फाइव दिखाई दे रहे हैं ना यस मैम वॉकिंग जो वॉक कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये देख सकते हैं सारे बच्चे अपने स्क्रीन पे देख लो और जहाँ पे मैम की स्क्रीन दिखाई दे रही है वहां पे टू टैप करके रखना तो मैम की स्क्रीन दिखती रहेगी आपको ये क्या है हैंड कार्ट है देखिए हाथ से खींचने वाला ठेला है ना दैट इज बाइसिकल है कार yes, है ना अभी पिक्चर्स आपने देख लिया नाउ यू हैव टू गिव द आंसर विच वन We are in next page here. Page number 179. This page number. Some questions are given here. इसी picture से related question है. ये picture देखा आपने? Then here. Yes. Way of travel. Yes. मतलब travel करने के कौन-कौन से साधन हैं? How many? कितने हैं? जैसे walking people. Walking people कितने थे? Tell. Five. Not five. So here, five in this box. Bicycle, two है ना? Just right here. Two. Pictures को देखकर हम ये हम क्या बना रहे हैं बच्चों? Chart बना रहे हैं कि हमने vehicles को कैसे कैसे road पे देखा. Types of vehicles. देखिए walking कैसे थे, bicycle, scooter. Scooter कितना था? मुझे तो two ही दिखाई दिया. You can see two. I have seen two. Okay. Two. Then, अब क्या है नीचे yes, ma'am. And ma'am, four जिसमें फोर व्हील जो फोर पहिए लगे रहते हैं ना फोर व्हीलर वो कितने थे काउंट करेंगे फोर व्हीलर फोर व्हीलर वो कितना था काउंट कर लीजिए आप देख के अपना चार्ट से इट इज 17 जिसमें फोर पहिए वाले होते हैं ना जैसे कार हो गई बस हो गई दैट इज फोर व्हीलर है ना देन एंड यस बुलक कार्ट भी है बुलक कार्ट कितना है बुलक कार्ट भी दिखाई दे रहा yes, है कितना है मैम वन है वन हाँ लिखिए बुलक कार्ट यस मैम वन बुलक कार्ट रिक्शा भी है देखिए रिक्शा भी दिखाई दिया था क्या रिक्शा ढूंढिए रिक्शा भी है yes, कितना है मैं टू रिक्शा मैं टू रिक्शा टू राइट हियर टू रिक्शो टू है ठीक है टू यस सर यस यस मैम डन गिव अ थम्स अप विष्णुकांत एंड दिस स्नेहा पटेल ने थम्स अप कर लिया है
वीडियो ऑन करके उत्कर्ष ये सब मेरे को थम्स अप दे दिया करो. इफ यू डन देन गिव अ थम्स अप. यस गुड वेल डन. उत्कर्ष हैव यू डन दिस गिव अ थम्स अप. उत्कर्ष इफ यू डन दिस गिव अ थम्स अप. थम्स अप दो. हाँ यस डन. सो वी कैन मूव अहेड. आगे चलिए है ना. आगे चलते हैं ना. अगर आपने नहीं हुआ है देन यू कैन कंप्लीट बाय सीइंग द रिकॉर्डिंग. आई विल सेंड इट. मैम भेजेगी. ओके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन द पिक्चर विच वे ऑफ ट्रेवल डू यू सी द मोस्ट. कौन सी चीज ज्यादा देखते हो ट्रेवलिंग के लिए. तो हमको फोर व्हीलर कार ज्यादा दिखाई दे रही है. एट इज फोर व्हीलर है ना. यस मैम. सो दैट इज फोर व्हीलर. यस मैम. सो यू कैन राइट हियर इन दिस बॉक्स. यहाँ पर लिखना है. ये खाली स्पेस है ना. यस फोर व्हीलर. नाउ आप लोग एस बनाते हैं. हाँ यस 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 वो एस बन गया है. ओके विच वे ट्रेवल व्हीकल सी ठीक है. वही ज्यादा दिख रहे हैं ना जो पहिए लगे हुए हैं जिनमें बैठे ना. ना बी नंबर. विच वे ऑफ ट्रेवल व्हीकल डू यू सी द लीस्ट. सबसे कम क्या दिखाई दे रहा है. सबसे कम बुलक कार्ट. राइट इट हियर बुलक कार्ट. बुलक कार्ट. हाँ बुलक कार्ट. बुलक बुलक कार है ना. नाउ द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ बुलक कार. नहीं नहीं ये पूछ रहे द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन. जो पैदल जा रहे हैं वो ज्यादा है. किससे ज्यादा है. बुलक कार्ट से ज्यादा है ना. वॉकिंग वाले पीपल किससे ज्यादा yes, है. बुलक कार्ट. और यहाँ पे आप ट्रैक्टर भी लिख सकते हो बेटा. ओब्लिक करके यहाँ पे ट्रैक्टर भी लिख सकते हो. बुलक कार्ट एंड ट्रैक्टर दोनों काम है. okay. और यहाँ पे लिखिए बुलक कार्ट. द नंबर क्या है. क्वेश्चन क्या है. द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग जो पैदल चल रहे हैं वो ज्यादा है किससे. बुलक कार्ट से. डन. देन लास्ट द नंबर ऑफ बसेज इज लेस देन द नंबर ऑफ कार. बसें कम है. किससे कम है. कार से कम है क्या बसें. द नंबर ऑफ बसेज लेस देन द नंबर ऑफ कार. बसें देख के बताओ. पिक्चर में देखो. बसें कम है क्या. द नंबर ऑफ बसेज लेस देन द नंबर ऑफ. यस मैम कम है. कम है ना. तो कार. यस राइट है. कार. क्लियर कर दे. यस मैम कंप्लीटेड. कंप्लीट. नाउ हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट सिक्स. ये डाइस आप प्ले करते हो ना. लूडो या कोई भी गेम घर में प्ले करते हो. करते हो. यस मैम. मैम स्नेक एंड लैडर. डाइस. दिस इज द डाइस. यू कैन सी डाइस. ये डाइस है. इससे खेलते हैं ना. ये वाला है ना. हियर हैव यू सी हैव यू प्लेड एनी गेम्स विद डाइस. डाइस से आपने खेला. यस ऑब्वियसली आप खेलते हो डाइस से. हाउ मेनी डॉट्स आर. क्या पूछ रहे क्वेश्चन. हाउ. ना हियर. हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ ए डाइस. कितने तरह की डॉट्स होती है बेटा उनके डिफरेंट फेसेस में बताइए. एक तरफ वन से लेकर सिक्स तक होती है ना. वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव. सिक्स फेस होते हैं डाइस के. कितना फेस होते हैं. सिक्स. तो हियर थ्रो ए डाइस. अब ये आपको करके रखना है. दिस इज योर एक्टिविटी. डू इट एट होम. दैट इज होमवर्क. कैसे करना आई विल टेल. दिस राइट हियर होमवर्क. ये दैट इज होमवर्क. होमवर्क कर लो उसको. दिस इज योर फन गेम.
What will you do? कैसे करोगे? Then I will tell. देखिए, look at the number of dots you got on the face of your die. जो die आपने डाला उसमें number देखिए. For each row draw a mark. This one. Tell him in front of that number in the table. Throw the die 30 times and mark in the table each time. Just I will tell it on the board. Board पे बताती हूँ मैं. Okay? Yes, ma'am. Page निकाल लो, next page. That is this one page. है ना? अब ये है, suppose आपने यहाँ पर dice फेंका. ये लिखा है ना, face of dice. That one is. ये देखिए यहाँ पे. है ना? दिख रहा है? अगर अगर सपोज आपका थ्री डॉट आया, ये डाइस है आपका और इसमें थ्री डॉट आया, है ना, थ्री डॉट आया डाइस में, देन यू कैन मेक योर थ्री नंबर. ऐसे लिखना है. दैट इज टैली मार्क. इनको क्या बोलते हैं बच्चों? टैली मार्क. है ना, हमको नंबर नहीं लिखना होता है. वी हैव टू इन डेटा व्हेन वी मेक द चार्ट. जब चार्ट बनाते हैं तो नंबर को हम इस तरह से शो करते हैं. इट मीन्स दैट लाइन इज योर थ्री नंबर. अगर फाइव होता देन फाइव, दैट इज फाइव नंबर. क्रॉस कर देते हैं, टैली मार्क, दैट इज टैली मार्क. है ना? अब है सपोज टेन लिखना होता, इफ यू वांट टू राइट टेन नंबर, सो देन वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव. फाइव नंबर, दैट इज फाइव, एंड यू हैव टू राइट द नंबर टेन. टेन नंबर लिखना है. Then again you will make 1, 2, 3, 4 and then 5. Then 5, 5, 10. These lines are tally marks. क्या बोलते हैं इनको? Tally marks. Tally करने के लिए हम इनको line को draw करते हैं. जब chart बनाते, suppose आपको 25 number show करना है, किसी chart में 25 number show करना है. 25. So how will you show that? तो देखिए 5, 5 कैसे कितना बनाओगे? कितने टैली मार्क्स बनाओगे? फाइव. हाउ? देखिए 1, 2, 3, 4 and 5. फाइव हो गया. देन 1, 2, 3, 4 and 5. दैट इज फाइव. है ना? 10 हो गया. 5, 5, 10. देन 1, 2, 3, 4, 5. दैट इज फाइव. 1, 2, 3, 4. दैट इज फाइव. कितना हो गया बताइए? 20 हो गया. अभी एक और बनाना होगा ना, वन और बनाना होगा. देन 1, 2, 3, 4 and 5. तो कितना बनाना पड़ा मैम को? ऐसा ऐसा पेयर मीन 25. अब बताइए, चलिए मैंने यहाँ पे टैली मार्क्स बनाया, आपको नंबर नहीं बताया, तो विल यू काउंट दिस? मैम को रीड करके बताइए. चलिए, व्हाट नंबर? कितना नंबर है बताइए? तब आएगी जहाँ मैम की स्क्रीन दिख रही है. आप डबल टैप करिए वहाँ पे, मैम की स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करके रखिए. देन अब नाउ टेल मी अगेन 1, 2, this 5. देन आप कितना है बताइए नंबर? 12. तो आपको क्या करना है बच्चों? होमवर्क में मैम ने यही बताया, यहाँ पे रीड करके इसको टैली मार्क्स बनाना है. आपका जैसे आपने 30 बार, लिसन मी, आप 30 बार अपना डाइस डालेंगे, है ना? अब उसमें सपोज आपका 5 times 6 नंबर आया, तो 5, 6, 30 आपने डाइस डाला. डाइस डाला ना आपने, तो 6 बार उसमें 6 नंबर आया, है ना? 5 बार, तो 5, 6, 30. अब 30 को आपको टैली मार्क्स में बताना है. 30 नंबर को किस में बताना है? टैली मार्क्स में. तो आप 30 कितना बनाएंगे आप यहाँ पे? 6 इस तरह से बनाएंगे ना, है ना? इधर यहाँ पे, दैट इज हियर. आप ये डाइस, आपको डाइस को डालना है. देखिए 1, अगर 1 आपका, सपोज 30 बार आप डाइस डालिए, 1 आपका 10 टाइम आया, 10 टाइम 1 1 आया,
टेन बार, तो आप कितना बनाओगे बेटा? टू टेन, टेन टाइम आया तो आप कैसे बनाओगे? वन आपका नंबर, टेन बार आया है ना? देख बेटा अभी कितना, अगर वन नंबर, ये आपका डाइस है ना, इसमें वन आपका टेन बार आया, सपोज आपने डाइस डाला वो टेन टाइम आया, तो आपको टेन के लिए आपको ऐसे बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये टेन हो गया ना, आपको इस तरह से बनाना होगा, इस तरह से बनाना होगा। अगर वन वन वाला आपका टेन बार आया और टू आया फोर बार, थर्टी टाइम्स आपको डाइस अपना ड्रॉ करना डालना है। समझ आया क्या बता रही मैम? देखिए यहाँ पे बना है ऑलरेडी, ये दैट वन यू कैन सी, ठीक है यहाँ पर, ठीक है चलिए हम अपना क्लास एंड करते हैं। ओके ओके मैम, नाइट ओके मैम।